जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। अयोध्या में हुई भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के हर कोने से राम भक्त अयोध्या में राम दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद से दो जादूगर अपनी आंखों में काली पट्टी बांधकर और पूरे मुंह में काले नकाब से ढककर मोटरसाइकिल से अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनका धूमधाम से जगह जगह स्वागत हुआ। मंगलवार की शाम को हैदराबाद से जबलपुर पहुंचे दोनों ही जादूगर का जबलपुर में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जबलपुर के जादूगर आनंद अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे। अपनी दोनों आंखों में काली पट्टी बांधकर 1600 किलोमीटर की यात्रा पर निकले दोनों जादूगर का लक्ष्य है कि 1 मार्च की रात तक अयोध्या पहुंच जाएं और 2 मार्च को भगवान राम के दर्शन कर लें। रोल नमस्कार, मेरा नाम रामकृष्ण है। आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर। हैदराबाद इज अ मैजिशियन। इन 28 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस है। ये यात्रा हैदराबाद टू अयोध्या 1600 किलोमीटर्स, ये आध्यात्मिक भावना, एवरी पर्सन इज अ डिवोशनल मोटिवेशनल यात्रा। क्या मेन रीज़न या रामायण में एवरी पॉइंट, एवरी सब्जेक्ट, ब्रदर टू ब्रदर, ब्रदर टू सिस्टर, ब्रदर टू मदर, ब्रदर टू फादर, क्या 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 सन्निवेशन इज अ मोटिवेशनल। इज द बिगेस्ट फार्मूला इज रामायण। रामायण में ये मानव जीवित प्रभावित करने के ये यात्रा कर रहा हूँ। ये थी आज की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।